हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। अमरनाथ सिंह इंटरनल टीम से दिल्ली, और इस वीडियो में फटाफट बात करेंगे यार कौन कौन से कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन है जिनको आपको चैलेंज करना चाहिए आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ आंसर की बाय एनटीए ऑन इट्स वेबसाइट। सो ये वाला क्वेश्चन तो आप सभी लोग जानते हो यार, फिजिक्स। देखो वो पांचों क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है। ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल एमजोनी एआरएस पे अपलोड कर दूंगा कि ये पांच जो क्वेश्चन है वो कॉन्ट्रोवर्शियल है, ठीक है। एक साथ मैंने इनकी पीडीएफ बना दी, ठीक है। और मैंने यहाँ पे अपने पेज में पॉइंट्स भी लिख लिए कि क्या होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे तो यार सबको मालूम कि सारे ऑप्शन इनकरेक्ट है। एनटीए कह रहा है 3/2V होना चाहिए, ठीक है। इस वाले में तो उन्होंने बोनस दे दिया है, ठीक। तो ये वाला पहला क्वेश्चन है जो आपको ये चैलेंज करना चाहिए, ठीक। ये वाला आपको चैलेंज करना चाहिए, ठीक है। ये वाला आपको चैलेंज करना चाहिए, ओके। उसके बाद हाँ, इस वीडियो में मैं आपको कट ऑफ वाला भी चीज बता दूंगा, एज वेल एज ये भी कुछ पॉइंट्स बताऊंगा कि हाँ रीनीट का क्या सीन होगा, ठीक है। और चैलेंज करने में किनको मार्क्स मिलेगा, नहीं मिलेगा। इस वाले में सारे ऑप्शंस करेक्ट है, सभी लोग जानते हैं, पर यहाँ पे कोई ऑप्शंस मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये वाला भी आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, चैलेंज होना चाहिए, ठीक है। तो इस पर भी हम सी डाल देते हैं, ये भी चैलेंज होना चाहिए। ये तो हमें बोनस मिल गया, ये तो बोनस मिल गया सभी को, सबने देख लिया होगा आंसर की से। तो ये वाला चैलेंज करना है क्योंकि ए भी आपका सही है, बी सी डी ई सब सही है, और एनटीए के हिसाब से आंसर क्या है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, एनटीए के हिसाब से आंसर है ये वाला कि बी सी डी ई ही सही है। तो ये चीज आप चैलेंज कर सकते हो, फिर ये वाली बात है। अब ये एक्सेप्ट होगा कि नहीं चैलेंज पता नहीं, क्योंकि ये लैंग्वेज का गेम है यार, इनटू, ठीक है। और ये वाला भी आपका लैंग्वेज का गेम है क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूअसली की जरा पीरियोडिकली लिखा है एनसीईआरटी में। तो ये जो बायो के क्वेश्चन है इसका आप चैलेंज करोगे तो हो सकता है आपको मिल जाए, ठीक है। तो आप देख लो इसको आपको चैलेंज करना है कि नहीं, ठीक है। तो इसके एनटीए के हिसाब से इधर जो है आपका 4 ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट है एनटीए के हिसाब से, ठीक है। एंड यहाँ पे आपका कह रहा है एनटीए कि आपका ये बीसीई वाली चीज जो है करेक्ट है, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन है जिनमें कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएटेड है, ठीक है। एक तो आपको बोनस मिल गया, तो ये 4 क्वेश्चन आप चैलेंज कर सकते हो। यहाँ पे लैंग्वेज का गेम है, एक्सेप्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट ये दोनों तो डेफिनेटली चैलेंज कर दो, ठीक है। अब जो स्टूडेंट्स का मार्क्स अच्छा आ रहा है, ठीक है, ठीक ठाक अच्छे, मतलब बॉर्डर लाइन से काफी ऊपर है, उनके लिए जो कट ऑफ है, ठीक है, नीट 2021 में जो कट ऑफ था, कॉलेज स्पेसिफिक कट ऑफ और कैटेगरी स्पेसिफिक कट ऑफ, वो मैं टेलीग्राम चैनल एमजोन इन एआरएस अपना उस पर अपलोड कर दिया है मैंने, और लिंक इन डिस्क्रिप्शन मैंने प्रोवाइड कर दिया। ऐसा कुछ दिखेगा आपको, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा यार कि सभी मेडिकल कॉलेज अक्रॉस द कंट्री, ठीक है। तो आप रैंक 1 आप एम्स दिल्ली से उठा करके आपके कितने हैं टोटल, हमने सभी मेडिकल कॉलेज को यहाँ पे इंक्लूड किया है, बहुत बड़ी लिस्ट है ये, तो सभी मेडिकल कॉलेज के लिए हमने ये लिस्ट आपको प्रोवाइड कर दी है। एंड इसमें मेंशन है कि जनरल की स्टार्टिंग रैंक, क्लोजिंग रैंक, EWS, ST, SC, OBC, PWD सबके लिए कौन सी रैंक पे काउंसलिंग खत्म हुई थी। इससे आपको एक फेयर इनफ आइडिया मिल जाएगा कि आप अगर आपका रैंक प्रेडिक्टर से आप देख रहे हो आपका कितना रैंक आ रहा है लमसम, आपको मालूम है, और ये अगर रैंक आती है तो आपको कौन सा कॉलेज मिल जाएगा, आप इससे पता कर सकते हो, थोड़ा आपको सुकून मिल जाएगा कि ठीक है ये मेरा सीन है। वो ऑल इंडिया कोटा से मैंने ये कट ऑफ अपलोड किया है, रैंक वाइज है ये कट ऑफ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रैंक फॉर ऑल द कैटेगरी एंड ऑल द कॉलेजेस अक्रॉस द कंट्री। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने मेंशन कर दिया, वहां से आप ज्वाइन कर लो, वहां से ये पीडीएफ ले लो। अब हाँ, यहां पे आते हैं, लास्ट डेट आपका चैलेंज करने का 2 सितंबर है, जो चैलेंज करेगा उसी को मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है। और आपका फाइनल रिजल्ट जब आएगा ना यार, ऐसा नहीं है कि फाइनल आंसर की आएगी, फाइनल रिजल्ट आएगा मोस्ट प्रोबेबली ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। ऐसे ही होता है कि जो फाइनल आंसर की आते हैं ना, वो आपको रिजल्ट के साथ ही पता चल जाता है कि आपका मार्क्स बढ़ा है कि नहीं, समझ रहे हो, कि आपने चैलेंज किया, आपको मार्क्स आपने चैलेंज किया, तभी अगर एनटीए कंसिडर करती उस चैलेंज को, ठीक है, और सही कंसिडर करती, मान लो बोनस वाली जो चीज थी जो मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 1 और 3, राइट, मान लो आपने इन दोनों को चैलेंज किया, इसको मान लिया इसने और इसको भी मान लिया कि हाँ भाई चलो सब सही है, तो जो चैलेंज किया उसी को नंबर मिलेगा। ऐसा मेरे को नहीं लगता होगा कि सभी के लिए आंसर की चेंज हो जाएगी और सभी को जिन्होंने चैलेंज नहीं भी किया उनको भी नंबर मिल जाएगा, ठीक है, तो ये याद रखना। फिर सेक्शन बी केमिस्ट्री में जो अटेम्प्ट किया, याद रखना यार, ये जो केमिस्ट्री का जो सेक्शन बी वाला क्वेश्चन था ये बोनस, तो जिन्होंने अटेम्प्ट किया होगा ना, क्योंकि सेक्शन बी में तो आपका आपका मैंडेटरी नहीं है सब कुछ अटेम्प्ट करना, ऑप्शनल है, जिन्होंने अटेम्प्ट किया होगा उन्हीं को
ये बोनस नंबर मिलेगा, ठीक है। फिर रीनीट जैसे गंगानगर में कब होगा, डेट कब आएगी, उसकी आंसर की क्या आएगी, इसका हमें पता नहीं, ठीक है। 7 सितंबर तक रिजल्ट निकालना, पर ऑन एन एवरेज 15 दिन तो डिले हो ही जाता है नोटिफाइड डेट से, ठीक है, रिजल्ट निकलना। फिर बॉर्डरलाइन स्टूडेंट्स के लिए आई फील यार एनटीए शुड बी मोर ट्रांसपेरेंट, क्योंकि उनका मार्क्स कहाँ घट रहा है बढ़ रहा है उस पर उनका यू नो बहुत कुछ डिसाइड होता है यार, अफोर्डेबिलिटी डिसाइड होती है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जाएंगे कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, ठीक है, ऑल इंडिया कोटा से अच्छा कॉलेज मिलेगा या फिर स्टेट लेवल कोटा से मिलेगा, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है बॉर्डरलाइन स्टूडेंट्स के लिए, राइट। सो ये कुछ बातें यार जो मैं चाहूंगा आप अपने दिमाग में रखो, राइट, और कट ऑफ को डाउनलोड कर लो, जिन स्टूडेंट्स का अच्छा नंबर आ रहा है आफ्टर चेकिंग फ्रॉम द प्रोविजनल आंसर की, वो यहां से देख सकते हैं उनको कौन सा कॉलेज लमसम मिलने वाला है आफ्टर सीइंग इट फ्रॉम द रैंक प्रेडिक्टर। तो ये सारे कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप चैलेंज कर सकते हो, राइट, ये भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। सो ऑल द बेस्ट गाइस, कीप हसलिंग।